नमस्कार दोस्तों दोस्तों S4C का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के हमने दो पार्ट बनाए हैं। एक में हमने सूट का मेजरमेंट लेना सिखाया है और दूसरे में हम उसी नाप उसी मेजरमेंट की कटिंग करना सिखाएंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। ये देखिए, ये हमने जो है मेजरमेंट ले रखा है, ये देखिए इस पर्चे पे हमने पूरा मेजरमेंट उतार रखा है। तो मैं बताऊँगा आपको किस तरीके से आपको ये कटिंग करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास कपड़ा कितना है। तो ये हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा आएगा, तो हम बताते हैं आपको किस तरीके से आपको काटना है। वैसे तो हमारी 40 इंची लेंथ है तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको घेरा देखना है। 25 इंच घेरा है तो आपको 5 इंची ऐड करना है इसमें। 25 5 30, तो 30 इंची पे आपको इस तरीके से निशान लगा देना है। बस आपको 30 इंची पे इसको सीधा काट देना है बिल्कुल। देखिए इस पे लाइनिंग है तो मैं इसको इस तरीके से काट रहा हूँ। तो आपको नाप लेना है इस तरीके से कि ये हमारा आ रहा है 15.5, तो आपको इस तरीके से 15.5 पे इस पूरे उस पर निशान लगाना है और इसको सीधा सीधा निशान लगाना है और फिर काट देना है। ये देखिए मैंने काट दिया। तो ये जो हमने कपड़ा काटा है ये हमारा बाजू में इस्तेमाल होगा, हमारे को पूरी बाजू चाहिए तो इस वजह से हमने इस कट के पहले निकाल लिया है। तो दोस्तों फिर इसको इसके बाद आप प्रेस मार के मिटा दीजिए डबल तय करके। तो दोस्तों इस तरीके से आपको बिछा देना है। कन्नी वाली साइड सामने रहना चाहिए और फोल्ड वाली हमारी साइड। तो दोस्तों इसमें देखिए फूल का रुख हैगा, तो ये रुख एक नीचे को जा रहा है एक ऊपर को जा रहा है। तो अक्सर लोग ये ऐसी गलती कर देते हैं कि ऐसी फोल्ड करके बिछा देते हैं और इसका ध्यान नहीं देते हैं तो सूट गलत हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि जैसे ही हमने कपड़ा बिछा रखा है तो आप इसको काट दीजिए और काटने के बाद इसको घुमा के रख दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से आपको घुमा देना है। तो ये दोनों रुख एक साइड के हो जाएंगे, इसके नीचे को फूल जाएगा ऊपर को जाएगा तो ऊपर को जाएगा। तो हमने दोनों एक सेट कर दिए हैं इसके रुख। तब आपको इस तरीके से बिछा लेना है आपको बिल्कुल बराबर करके। तो दोस्तों सबसे पहले आपको तीरे का निशान लगाना है ऊपर। ये हमने तीरे का निशान लगा दिया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ 7 इंची पे निशान लगाना है। तो दोस्तों मैंने मेजरमेंट लेते टाइम उस टाइम पे बताया था आपको किस तरीके से ये निशान उठाने हैं। तो ये 15.5 पे लगाया हमने और ये तीसरा निशान 22.5 पे। इनको हम सीधा कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे को लेंथ नापनी है इसकी। तो ये हमारे को 40 इंची रखनी है तो हम यहाँ 40.5 पे निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे स्केल की मदद से। तो दोस्तों ये हमारा तुरपाई बनेगा तो हम इसमें तुरपाई का मार्जिन लेंगे। तो हम 3 इंची का तुरपाई का मार्जिन लेंगे और इसको बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे इसका तीरा। तो तीरा हमारा है 13.5, तो हम 13.5 पे निशान लगा देंगे। ये देखिए और हमारा सामना है 13.5। तीरा और सामना बराबर है क्योंकि हमारा 5 इंची डीप गला है, इस वजह से दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हम इस तरीके से लगा देंगे निशान। दोस्तों ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपका, इस तरीके से आपके कंधे कभी नहीं गिरेंगे जो तरीका मैंने बताया है इसमें। तो यहाँ हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 21 इंच पे। तो यहाँ 10.5 इंच पे हम रखेंगे
और यहाँ फिर हमारा कमर का निशान रहेगा 19 इंच पे, तो हम यहाँ पे रखेंगे 10.5 इंच, क्योंकि हम बैक में प्लेट डालेंगे इस वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। और यहाँ हमें रखना है 23 इंची, तो हमने 11.5 पे निशान लगा दिया है, हिप का निशान है ये। तो दोस्तों 25 इंची हमारा घेरा है, तो हम नीचे 25 इंच यानी कि 12.5 पे निशान लगा देंगे। उसके बाद हम ये स्केल की मदद से इनको आपस में मिला देंगे निशानों को। तो ये हम स्केल की मदद से इसको मिला देंगे। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि अगर आप ये दो वीडियो अगर देख लेंगे, ये हमारा दूसरा पार्ट है, अगर पहला पार्ट और देख लेंगे आप, तो आपको कभी भी पुराने सूट का नाप लेके कटिंग करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत ही आसान तरीके से कटिंग कर सकते हैं और कैसे भी मेजरमेंट हो आप आसानी से ले सकते हैं जो मैंने तरीका बताया आपको। तो यहाँ हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे गले का, और यहाँ से थोड़ा सा डाउन कर लेंगे हम कंधे को, और फिर हम यहाँ पे गोलाई का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों ये हम 1.25 इंच के करीब निशान लगाएंगे सेंटर से, और इसको इस तरीके से हम घुमा देंगे। तो हम ये दोनों पल्ले एक बराबर काटना है, और उसके बाद ये हमारे को सिंगल पल्ला काटना है उठा के। तो ये जैसे हमारा निशान लग रहा है उसी निशान पे हमें काट देना है, लेकिन हमने ये फ्रंट का काट रहे हैं, हम बैक का हम थोड़ा सा बढ़ता हुआ काटेंगे कि 1 इंची के करीब हम बढ़ता हुआ काटेंगे बैक का पल्ला। तो ये देखिए मैंने आपको निशान लगा के बताया, ये देखिए ये 1 इंची के करीब है, तो आपको इसी तरीके से आपको ये भी काट देना है। ये देखिए ये हमारे दोनों कट चुके हैं, तो अब हम ये एक्स्ट्रा जो निशान लगा रखा है हमने उस पर हम काट देंगे इसको। तो दोस्तों बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से काट सकते हैं। लोग कुछ लोग जो होते हैं सूट पे सूट रख के काटते हैं और प्रॉपर फिटिंग नहीं आ पाती उससे, और परेशानी बहुत परेशानी होती है उसके अंदर। तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपका फिनिशिंग से पीस कटेगा। तो यहाँ हम कुटके लगा देंगे कि हमारा जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आगे पीछे नहीं होगा। कुटके लगाने से ये होता है कि दोनों पल्ले आगे पीछे के बराबर चलते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे बैक प्लेट का निशान उठाना है, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको बैक प्लेट का निशान उठाना है। तो ये हमारा कमर का जो हमने कुटका मार रखा है, तो बस उससे ही आपको सीधा कर देना है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ 4.25 पे रखना है, और यहाँ नीचे भी हमें 4.25 पे रखना है, और ऊपर भी हमें 4.25 पे रखना है। तो ये हमारा इसको हम सीधा कर देंगे, और उसके बाद हमें यहाँ 4.5 रखना है और 4.5 ऊपर रखना है। तो टोटल हमारी 9 इंच की प्लेट होती है, तो हमने ये निशान लगा लिए हैं। तो ये हमारा कट चुका है सूट, ये देखिए ये मैं घेरे के भी कुटके लगा दे रहा हूँ कि हम घेरा इस जगह से मोड़ेंगे तो प्रॉपर कटिंग होगी। देखिए ये हमारा 25 इंच है, 12.5 इंच या घेरा पे निशान लगा दिया हमने। तो ये हमारा कट गया है, और अब हम मैं आपको बताता हूँ बाजू काटना, कि आप बाजू किस तरीके से काट सकते हैं। दोस्तों बाजू में भी आपने देखा होगा कि रुखों का हिसाब किताब होता है, अगर उसमें फूल वगैरह बन रहे हैं तो इसमें भी रुख का हिसाब है। तो इसके भी हम उसी तरीके से पल्ला घुमा के रखेंगे कि जैसे हमने सूट कर रखा था। ये देखिए इसके नीचे को जा रहे हैं फूल और इसके ऊपर को हैं, तो हम इसको घुमा देंगे इस तरीके से। तो इसको हम घुमा के इस तरीके से रखेंगे।
फिर हम प्रेस से बिल्कुल साफ कर लेंगे दोस्तों इसको। तो दोस्तों हम पहले ये देख लेंगे, हमारे को 8.5 इंची चाहिए, तो हम 8.5 इंच के करीब अपना मार्जिन लेके चलेंगे बाजू में। तो दोस्तों इस बाजू में आने वाला है जोड़, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको जोड़ डालना है और किस तरीके से इसको बाजू निकालनी है पूरी। तो सबसे पहले हम यहाँ से बराबर कर लेंगे इसको, और यहाँ हम तुरपाई का मार्जिन लेंगे, और हमारी बाजू है 21 इंच, तो हम 21.5 पे निशान लगाएंगे, और यहाँ 3.5 इंच पे हमने इसको गिराया है, तो सीधा कर लेंगे हम 3.5 इंच पे गिराने के बाद। और यहाँ से हम रखेंगे, ये देखिए ये मोरी है 9.5, तो हम सबसे पहले 9.5 मोरी रखेंगे इसकी, और यहाँ हम इसका डोला है, ये देखिए ये डोला है, तो डोला हम रखेंगे इसका 8.5 इंच, और इसको हम स्केल की मदद से, ये हमारी शेप पट्टी है तो हम इसकी मदद से इसको आपस में मिला देंगे। और यहाँ हम थोड़ा मार्जिन लेके चलेंगे जैसे कि हमने सूट में लेके चले हैं। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा आपको सीधा करना है, ये 1 से 1.5 इंची के करीब सीधा करा है, और फिर उसके बाद आपको ये काट देना है। और यहाँ हम कुटका लगा देंगे, यहाँ सेंटर का कुटका लेंगे, और ये हमारा यहाँ पे जुड़ेगा। तो दोस्तों ये जो तरीका बता रहा हूँ इसमें आपको जो हमने कुटका लगाया है उसी पे सिलाई लगानी है, और उसी पे ही आपका मुड्डा बिल्कुल परफेक्ट चढ़ेगा। तो इसको साफ कर लेंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं जानता हूँ कुछ लोग जो है वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं, अरे आपका क्या जाएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपके पसंद की ये वीडियो नहीं होगी तो अगली वीडियो क्या पता शायद आपके पसंद की मिल जाए, क्योंकि वीडियो तो मैं डालता ही रहूँगा। तो दोस्तों बस थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखिए मैंने किस तरीके से इसका जोड़ निकाला है, और यहाँ से हम ये गहराई इसकी काट देंगे। तो दोस्तों ये हमारी कट चुकी है। तो दोस्तों इसका आपको पहला पार्ट देखना है तो वीडियो के लास्ट में आपको पहला पार्ट दिख जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके इसका नाप लेने का तरीका सीख सकते हैं। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल के आइकन को दबा दीजिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी, और कोई भी सुझाव या कोई परेशानी आए कटिंग करने में तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।